हेलो दगड़ियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो चलो फिर ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अभी 3 बजे से। हम जा रहे हैं कथा में और मेरे साथ जा रहे हैं मितानसी और मेरे लाला। मैं तो आपको उनको दिखाती हूँ, अपने साथ में ले जा रही हूँ। अभी मितानसी के पास है तो अभी दिखाती हूँ। आजा मितानसी, मेरे लाला के दर्शन तो करा दे सबको। तो चलो फिर, ये देखो मितानसी आ रही है और लाला भी है उनके साथ है, बैठे हैं। तो मैं गाड़ी चलाऊंगी और ये पकड़ेगी। तो चलते हैं फिर, कथा दिखाती हूँ आपको और आप लोग भी सुने, एंजॉय करें, ठीक है कथा में। प्रजापति महाराज ब्रह्मा जी की आज्ञा से 3000 वर्ष तपस्या की। कितना? 3000। इतना घोर तपस्या के महाराज कि हमारे घर में कोई सुंदर कन्या आ गई। 10 प्रजापति के घर में 3000 वर्ष तपस्या करने के बाद जगदम्बा उनके घर में सुंदर सी महाराज एक कन्या को रूप में बता दिया है। इसका विवाह तो होगा होगा, अरे जिसके घर में भगवान लिखे होंगे उसी का होता है, जिसका नहीं लिखा रहता है ना वो नहीं करते हैं विवाह। अब हमारे विवाह तो भगवान से हो गया। किसे हो गया? भगवान से हो गया। जिन्होंने सृष्टि को बनाया, जिन्होंने हमको बनाया है, संसार को बनाया है, उससे हमारा विवाह हो गया। इससे अच्छा क्या कुछ होता है? धीरे धीरे बोले सरकार हमारा की जय हो। देखिए तो हमारी यात्रा कर रहे हैं, कोई खराबी होना है काम पसंद होने के बाद सब लोग मिलकर करें, तो शुरू करना है। Thank you.